टी20 सीरीज में 5-0 की जीत के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली के लिए न्यूजीलैंड का दौरा किसी भयावह सपने से कम नहीं रहा। दुनिया की नंबर वन टेस्ट टीम को न्यूजीलैंड ने 2 मैचों की सीरीज में धूल चटा दी। सितारों से सजी भारतीय टीम ने वेलिंगटन टेस्ट 10 विकेट से तो क्राइस्टचर्च टेस्ट 7 विकेट से गवाया। टी20 वनडे और टेस्ट सीरीज में मिला दें तो विराट कोहली 11 पारियों में महज 208 रन ही बना सके। इसमें भी उनके बल्ले से एक बार ही अर्धशतक निकल सका, या यूं कहा जाए कि वनडे और टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया के शर्मनाक प्रदर्शन की वजह विराट कोहली की विफलता ही बनी। भारतीय टीम को 1983 का वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान कपिल देव ने टीम इंडिया के लचर प्रदर्शन को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कपिल देव ने हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट से कहा है कि विराट कोहली अब धीमे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जब आप एक खास उम्र तक पहुंचते हैं, जब आप 30 की उम्र पार करते हैं, तो आपकी आंखों पर इसका असर पड़ने लगता है। स्विंग होती गेंदों पर विराट की ताकत उनका फ्लिक होता था, जिसके सहारे वो चौका लगा देते थे, मगर अब उसी तरह की गेंदों पर वो 2 बार आउट हुए। कपिल देव ने कहा कि मुझे लगता है कि विराट को अपनी आंखों को एडजस्ट करने की ज़रूरत है। जब बड़े खिलाड़ी बोल्ड या LBW होने लग जाएं, तो इसका मतलब है कि उन्हें अधिक अभ्यास की ज़रूरत है। ये दिखाता है कि आपकी नज़र और रिफ्लेक्सेस कमज़ोर पड़ गए हैं। ऐसा होने पर आपकी ताकत को आपकी कमजोरी बनने में देर नहीं लगती। दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में शुमार कपिल देव ने कहा कि 18 से 24 साल की उम्र तक आंखें बहुत तेज होती हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उनकी देखभाल कैसे करते हैं। सहवाग, विव रिचर्ड्स, राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ियों को भी अपने करियर में इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ा था। इसलिए विराट को अधिक प्रैक्टिस की जरूरत है। जब आपकी नज़र कमजोर होती है, तो आपको अपनी तकनीक और मजबूत करने की जरूरत होती है। जिन गेंदों पर विराट पहले तेजी से शॉट लगाते थे, उन्हीं को खेलते वक्त वो थोड़े धीमे हो गए हैं। और उन्होंने कहा कि IPL में विराट कोहली को इस बार मदद मिल सकती है, क्योंकि वो अपनी आई साइट पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे। LD न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।